मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने वीरवार को हरियाणा में प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने के विषय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में विशेष तौर पर प्रत्येक माह की 5 तारीख को प्लास्टिक फ्री दिवस के रूप में मनाया जाए और आमजन को प्लास्टिक का उपयोग ना करने के लिए जागरूक किया जाए। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा मनाई जा रही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में 11 सितंबर से 27 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छता की सेवा कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसका थीम प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान होगा। इस कार्यक्रम के तहत हरियाणा को प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। बैठक में बताया गया है कि 6 हफ्तों तक चलाए जाने वाला यह कार्यक्रम 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 11 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा, जिसमें लोगों को प्लास्टिक का उपयोग ना करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित विभाग द्वारा प्लास्टिक वेस्ट को एकत्र करने और उसके प्रबंधन के लिए स्थान चिन्हित किए जाएंगे। इसके साथ ही शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक वेस्ट को एकत्र करके चिन्हित स्थानों पर उसका प्रबंधन किया जाएगा। तीसरे चरण में दोबारा उपयोग में लाए जाने वाले और एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक को अलग अलग कर प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन किया जाएगा। दोबारा उपयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक को विभिन्न औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वे इसको पुनः उपयोग कर सके। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।